सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर? यो फैक्ट है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। ये बता, why do you want to be an IAS officer? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। यू फैक्ट है। पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहा। दुनिया के काम तो आ रहा हूं पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर गर्व। I always do a random shout out from my subscribers. If you wanna get mentioned in my next video, subscribe now. The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. अरे यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूँ। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को लाइट का चिक चिक। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा ही। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड। ईगो के नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। प्लान बी इज फॉर लूजर्स, ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है प्लान बी का क्या मतलब होता है। साढ़ा एक नंबर पूरा साल खा गया। नौ पाए में जाने के लिए 99% से ऊपर नहीं होता है। 90 भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया? 82% आई। अब 82 से 99 तो पहुंच रहे जरा इस जिंदगी में। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है, तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा। ये सब मीडियोकर जॉब मुझे जिंदगी भर करना है, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए मुझे बात। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाहे भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सर, तू ही नहीं, कोई नहीं समझ। जिस बंदे में बीत रही है ना फिर वो बंदा। प्लान बी का क्या मतलब होता है? साढ़ा एक नंबर पूरा साल खा गया। नौ पाए में जाने के लिए 99% से ऊपर नहीं होता है। 90 भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया? 82% आई। अब 82 से 99 तो पहुंच रहे जरा इस जिंदगी में। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है, तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा। ये सब मीडियोकर जॉब मुझे जिंदगी भर